तो आज हम बात करने वाले हैं एक बेहतरीन से प्लान के। और अगर आप चाहते हैं कि हमें एक ऐसा प्लान मिले जिसमें कार पार्किंग हो, छोटा सा गार्डन हो और बेहतरीन सा आपका लॉन हो फ्रंट में, तो इस मॉडल को आप चूज़ कर सकते हैं। बेहतरीन सा मॉडल होने वाला है ये आज का जो प्लान मैंने क्रिएट किया है, और बहुत ही खूबसूरत प्लान है जिसमें आपको एक छोटा सा गार्डन मिलता है जिसमें आप अपने बच्चों को या आप खुद भी टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं शाम के मीटिंग में, और साथ साथ एक कार पार्किंग भी मिलती है। और अगर ऊपर की बात करें तो आपको बड़ा सा लॉन मिलता है। अगर आप एक ओपन स्पेस घर चाहते हैं, ओपन चारों तरफ से आपका वेंटिलेटेड घर हो, तो इस मॉडल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। साइज है 20x40, 20x45 फिट में आपका पूरा मैंने डिजाइन किया है मकान, और इसमें मैंने डबल स्टोरी क्रिएट किया है। बहुत ही बेहतरीन सा प्लान है, विथ कार पार्किंग है, विथ ग्रीन एरिया, या आप इसे बोल सकते हैं ग्राउंड बोल सकते हैं। तो ये आपको मैंने क्रिएट करके दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी मॉडल को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने साइज़ इसका ऑलरेडी बता दिया, 20x40, 20x40 फिट में मकान मैंने क्रिएट किया है। तो आप इसे जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लें इसका रेलिंग क्या, डिज़ाइन क्या है, फ्रंट एलिवेशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो आप इसे फ्रंट देख सकते हैं। अभी मैं इसका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर बारी बारी से डिस्कस करूँगा। तो ये तो पूरा मॉडल है। फ्रंट से आपका रोड होगा और आपका साइड में जिनकी कार पार्किंग भी है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश हमेशा के तरीके से करूँगा कि स्मॉल हाउस प्लान को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप बेल आइकन देखते होंगे और एक सब्सक्राइब का बटन बना रहता है रेड कलर से, उस पर क्लिक करें। बगल में आपका बेल आइकन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आज का जो प्लान है 20x40 का, उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके ग्राउंड फ्लोर पर मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, आप देख पा रहे हैं। मैं इस पर थोड़ा जूम कर देता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर जिस स्लोप है जहाँ से आप गाड़ी पार्क करेंगे, और साथ से दो पिलर हैं। इसके बाद ये देखिए साइड में आपका एक ग्रीन एरिया है। जैसे आप अंदर जाते हैं तो ये ग्रीन एरिया की एंट्री मैंने देखिए इधर से दी है। ये आपका एक गार्डन टाइप का छोटा सा मिल जाता है, इसमें फूल वगैरह आप कुछ भी लगा सकते हैं फ्रंट में, आपका बेहतरीन सा लगेगा। और आगे से मैंने जाली लगा दी है जिससे कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद ये कार पार्किंग का एरिया है यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका। और इसके बाद ये आपका मेन डोर है जहाँ से एंट्री करेंगे। तो यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप देखिएगा पहुँच जाते हैं आंगन बोल सकते हैं, इसे आप कोई ओपन स्पेस बोल सकते हैं। इसके जस्ट पीछे आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं। देखिए दोनों बेडरूम हैं, दोनों बेडरूम में अलग अलग डोर। और राइट हैंड कॉर्नर पर, राइट हैंड साइड पर सॉरी, आपको मिल जाता है आपका बड़ा सा किचन। इस किचन का फ्रंट से मैंने दिया है विंडो जिसमें वेंटिलेशन हो सके। और ये आपका जो गार्डन एरिया से अटैच्ड एरिया है, ये मैंने लेट एंड बाथ के लिए यहाँ पर कवर कर रखा है। अब लेट एंड बाथ का जो मैंने डोर दिया है वो अंदर से दिया है, स्टेयर्स के नीचे से। अगर आप चाहते हैं तो बाहर से दे सकते हैं या गार्डन तरफ से दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि लेट एंड बाथ आप कहाँ से अपना एक्सेस करना चाहते हैं। और बीच में आपकी स्टेयर्स हैं जहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे और टर्न होकर वापस आ जाएंगे। तो 20x40 में हालांकि सिर्फ दो बेडरूम क्रिएट हुए हैं। आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी जगह में सिर्फ दो बेडरूम, लेकिन आप ये सोचिएगा आपको इसमें गार्डन भी मिलता है, कार पार्किंग भी मिलता है, बड़ा सा लेट बाथ मिलता है, स्टेयर्स मिलती हैं, और इसके बावजूद भी आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं। तो एक बेहतरीन सा प्लान है। ग्राउंड फ्लोर अगर हम बात करें, ये देखिए कि मैं और इसे मैक्सिमम जूम करता हूँ, इसे आप और इसकी रियलिस्टिक चीज़ें देख सकें, रियलिस्टिक व्यू देख सकें। तो ये देखिए बेहतरीन सा प्लान आपका होने वाला है, 20x40 फीट का ग्राउंड फ्लोर। तो अब ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई, अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इसके फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये इसका देखिएगा फर्स्ट फ्लोर है, और यहाँ पर आपको ये देखिएगा जैसे स्टेयर्स के मतलब ऊपर आते तो सिमिलर प्लान वही, अंदर का वही, दोनों बेडरूम किचन मैंने लेट एंड बाथ हटा दिया है यहाँ से, और पूरे में ये लॉन क्रिएट कर दिया। देखिए लेट एंड बाथ वाला एरिया भी कवर कर लिया, और जो आगे कार पार्किंग वाला एरिया था वो भी कवर कर लिया। पूरा बड़ा सा एक लॉन क्रिएट हो जाता है आपका, और बेहतरीन सा एक घर, मतलब बेहतरीन सा ओपन स्पेस आपको फ्रंट में मिलेगा जिसका आप मज़ा ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं। जब भी आप घर बनवाएं तो एक बार ज़रूर सोचें कि ऐसा भी घर बन सकता है। लास्ट फ्लोर की बात करें तो ये इसका लास्ट फ्लोर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैंने फिर से वही पूरा छत पे 3.5 फुट का बाउंड्री, फ्रंट में बेहतरीन से ग्रिल इस्तेमाल की है दोनों में। और ये ग्रिल इस्तेमाल करने के बाद ये देखिएगा आपका इसमें ये स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, लास्ट में मैंने इस पर छत बना दी है। तो ओवरऑल ये 3 फ्लोर है, और इसमें जो कि बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। इसमें देखिए स्पेस आपको बहुत मिलता है, ओपन स्पेस बहुत मिलता है। अगर आप एक खूबसूरत सा घर चाहते हैं तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 20x40 में एक घर आपको कैसा लगा, अपना ओपिनियन हमें दें, साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि आप जब भी घर बनवाए तो एक बार विजिट करें चैनल पर, इससे आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो लगातार मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।